आईपीएल 2024 से पहले आरसीबी ने एक बड़ी चाल चल दी है। क्या शिमार जोसेफ की आरसीबी में एंट्री होने वाली है? आरसीबी की जो बॉलिंग लाइनअप थी उसका हमने देखा कि बहुत सारा मजाक उड़ा जब आईपीएल ऑक्शन खत्म हुआ, क्योंकि इस बार के आईपीएल ऑक्शन में आरसीबी ने जिन गेंदबाजों को खरीदा उनकी आमतौर पर पिटाई बहुत ज्यादा होती है, चाहे वो लकी फर्ग्यूसन की बात कर ली जाए, चाहे वो अल्जारी जोसेफ की बात कर ली जाए, चाहे यश दयाल की बात कर ली जाए या फिर टॉम करन की बात कर ली जाए। इन गेंदबाजों को इस बार के आईपीएल ऑक्शन में आरसीबी ने खरीद कर अपनी टीम में जोड़ा है, जबकि रिलीज किसको किया है? हेजलवुड को। इसके अलावा अगर आप देखें तो फिर उन्होंने रिलीज किया है हसरंगा को। तो लोगों ने सवाल उठा दिया, भाई आपने क्या बेचा और क्या खरीदा है? लेकिन इस बीच एक अच्छी खरीद की खबर आ रही है आरसीबी के खेमे से, और ये खबर है कि शिमार जोसेफ को टीम अपने साथ जोड़ सकती है। अब आप पूछ रहे होंगे शिमार जोसेफ कौन है? तो शिमार जोसेफ को इस वक्त हर कोई जान रहा है। ऑस्ट्रेलिया के गाबा में उन्होंने गाबा का घमंड तोड़ा और वहां पर शानदार तरीके से गेंदबाजी करी। 150 की स्पीड से गेंदबाजी करते उन्होंने 7 विकेट अपने नाम कर लिए और ऑस्ट्रेलिया जिस मुकाबले को जीत रही थी, शिमार जोसेफ ने वो जीत जो है वो लाकर इधर खड़ी कर दी, यानी कि वेस्टइंडीज के खेमे में, और एक इतिहास भी रच दिया। उस सीरीज में उन्होंने 13 विकेट अपने नाम किए और अपने आप में ये उनके लिहाज से बहुत बड़ी अचीवमेंट रही। लेकिन उनके टीम में शामिल होने के पीछे की खबर क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल आरसीबी ने बेस प्राइस में यानी कि 1.5 करोड़ में टॉम करन को इस बार अपने ऑक्शन में अपनी टीम के साथ जोड़ा है। टॉम करन को अब चोट लग चुकी है, बिग बैश में चोटिल हो गए थे लिहाजा बिग बैश से बाहर हुए, उसके बाद IL T24 में भी वो अपना नाम नहीं दे पाए। इसके अलावा बात कर ली जाए तो फिर PSL से भी उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। अब ऐसे में रिपोर्ट के तहत जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि टॉम करन के रिप्लेसमेंट के तौर पर शिमार जोसेफ जो है वो आरसीबी का हिस्सा बन सकती है। आईपीएल शिमार जोसेफ को आरसीबी में जुड़ने की खबर सुनकर आरसीबी के फैंस खुश हो गए। पर क्या आप भी इस खबर से खुश हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि शिमार जोसेफ आरसीबी का हिस्सा बने? तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। फिलहाल आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत